कहते हैं इंसान अपने शोहरत या फिर पैसे से नहीं बल्कि दिल से बड़ा होता है। जैसे सोनू सूद, रतन टाटा या अजीज प्रेम जी जैसे लोग, उसी में एक और नाम भी है प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा का। नमस्कार, मैं आत्री विश्वास रॉय। त्रिपुरा रॉयल फैमिली से प्रद्योत किशोर ओहदे से तो महाराजा हैं ही, दिल भी उतना ही बड़ा रखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में अपनी नई पार्टी के साथ जीत का परचम लहराकर आए प्रद्योत अब नई भूमिका में लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। बुबागरा के नाम से मशहूर प्रद्योत ने ऐलान किया है कि वो TTADC से एक साल तक कोई सैलरी नहीं लेंगे, ना ही काउंसिल से मिलने वाली कार लेंगे। वजह ये है कि देश और त्रिपुरा कोविड से जूझ रहा है और बुबागरा अपनी ओर से सरकारी खर्च को कम कर रहे हैं। लोगों को लग सकता है कि रॉयल फैमिली के महाराज के लिए कौन सी बड़ी बात है या फिर कौन सा बड़ा काम है, पर महान बात नियत में छिपी होती है और बुबागरा हर कदम पर अपनी नियत से लोगों पर राज करते हैं। देश कोविड से लड़ रहा है तो हर कोई मदद मांगता दिख रहा है और कुछ लोग मददगार की भूमिका में भी हैं। उनमें से एक बुबागरा हैं। अपने पैसे से वो लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिलवा रहे हैं, जो मुमकिन हो वो कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी जान न जाए। आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर उसके उजड़े हुए घर को संवार रहे हैं। त्रिपुरा एक वक्त पर इंडिजिनस पीपल से भरा पड़ा था, पर वक्त के साथ ना सिर्फ त्रिपुरा की इंडिजिनस कम्युनिटी अपने ही राज्य में माइनॉरिटी हो गई, बल्कि उनकी लैंग्वेज को बोरो पर भी खतरा मंडराने लगा। इस लैंग्वेज की स्क्रिप्ट को भी नहीं माना गया, पर रॉयल फैमिली से होकर भी महाराज ने ये लड़ाई जमीन से शुरू की। त्रिपुरा लोगों के हक और सम्मान के लिए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की लड़ाई वो लड़ ही रहे हैं, साथ ही कोकबोरोक भाषा को उसकी पहचान दिलाने की मुहिम में भी हैं। TTADC में आने के 100 दिनों के अंदर उन्होंने ये इंश्योर करवा दिया कि अब गलियारे में कोकबोरोज की गूंज फिर से सुनाई देगी। त्रिपुरा रॉयल फैमिली से महाराज प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा को विरासत में क्या कुछ नहीं मिला। वो चाहते तो रईसी और पूरी शाही ठाट बाट में अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, या कांग्रेस में रहकर या कांग्रेस से अलग होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की ही तरह अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन पूरी कर सकते थे। उन्होंने त्रिपुरी लोगों की खातिर महल नहीं बल्कि सड़क की लड़ाई चुनी और शायद यही वजह रही कि त्रिपुरा के लोगों ने उन्हें भगवान जैसा चुन लिया। देश कई पॉलिटिशियन को देख रहा है, कई रॉयल फैमिलीज भी हमारे सामने हैं, पर प्रद्योत उनमें एक अलग छाप छोड़ते हैं। देश के एक छोटे से राज्य त्रिपुरा के महाराज का दिल कितना बड़ा है, बुबागरा और उनका काम इसकी मिसाल है। उम्मीद है कि वो ऐसे ही बढ़ते रहें, क्योंकि बहुत हद तक त्रिपुरा का भविष्य उनकी नियत और नीति पर निर्भर करेगा।